नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में एक साथ उठी तीन सगे भाइयों की अर्थी। घाटमपुर क्षेत्र के धर्मपुर बम्बा के पास गुरुवार देर रात ट्रक और लोडर की आमने सामने भिड़त में तीन सगे भाइयों की मौत हो गई थी। शुक्रवार देर शाम तीनों भाइयों के शव हिरनी गांव पहुंचे थे। शनिवार सुबह एक साथ तीनों की अर्थी उठी है। तीनों के शवों का अंतिम संस्कार ड्योढ़ी घाट में होगा। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात है। हिरनी गांव में सड़क हादसे में तीनों भाइयों की मौत से माहौल गमगीन है। गुरुवार देर रात कानपुर से शटरिंग लाकर घर वापस लौट रहे थे तीनों भाइयों को धर्मपुर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने लोडर में टक्कर मार दी। हादसे में 30 वर्षीय सतीश की मौके पर मौत हो गई थी। वहीं 22 वर्षीय सुनील और 35 वर्षीय नरेंद्र घायल हो गए थे, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को लोडर से निकालकर पतारा CHC पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार कर दोनों को हैलेट रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों भाइयों ने भी दम तोड़ दिया। शुक्रवार को शवों के पोस्टमार्टम होने के बाद देर शाम गांव पहुंचे तो कोहराम मच गया। शनिवार सुबह गांव में अर्थी की तैयारी शुरू हुई तो सभी की आंखें नम थी। गांव के एक ही घर में तीन शवों को रखा देख सभी गमगीन थे। तीनों के शवों का अंतिम संस्कार कानपुर के ढियोड़ी घाट में होगा, जिसके लिए अर्थी तैयार हो चुकी है। गांव में माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल मौजूद रहा है। शव उठते ही मचा कोहराम, सभी की आंखें हुई नम। हिरनी गांव में एक घर से तीन भाइयों के शव उठे तो कोहराम मच गया। यहां पर लोगों की सैकड़ों की संख्या में मौजूद भीड़ की आंखें नम हो गई। शव उठते ही हर तरफ चीख पुकार मच गई। गाँव की महिलाएं एक दूसरे को ढांढस बांधती रही। कानपुर से वीरू यादव की खास रिपोर्ट।